इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती है गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है अहवान। वह मर्द मुजाहिद नजर आता ही नहीं मुझको, जिसके रगो पै में फकत मस्ती है किरदार। अल्लामा इकबाल के अशार आज की तारीख में बहुत कुछ बयान करते हैं। दरअसल हमने इस असलाफ की तारीख को पढ़ा ही नहीं। जाहिर है आज हमारे घरों में दीन के मुजाहिद और गाजी बनने से रहे। जब हज़रत उमर फारूक ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजे की नमाज पढ़ाई तो कहा कि ऐ खालिद, तुझ जैसे बच्चे जन्नत से मायूम माजूर हो चुके हैं। लिहाजा इस्लाम के बहादुरों की लंबी तारीख है। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दुनिया इनकी ठोकर में दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रही। लिहाजा तारीख के औराक में सिर्फ बहादुरों के नाम दर्ज किए जाते हैं। कईयों ने इस दीन की खातिर और दिगर अदियानों के खिलाफ जानों के नजराने पेश किए। कुछ ने गोलियां खाई तो कुछ कईयों के फांसी के फंदों पर लाशें झूलती रही। पर शहीदों के मर्तबे मकाम कुछ अलग ही होते हैं, भले दुनिया कितना ही इनके नामो निशान को मिटाने की कोशिश करे, पर ये वो होते हैं जो मिटते नहीं मिटाए जाते। कागजों पर तो हर्फों को मिटाया जाता है, पर जहनों दिल से इन्हें मिटाना नामुमकिन है। टीपू शहीद की तारीख को मिटाने की कोशिश आरएसएस से संघी विचारधारा के लोग करते रहते हैं। अब तो स्कूली किताबों से भी मिटाने की जद्दोजहद जारी है, पर तारीख गवाह है शहीद जिंदा हुआ करते हैं। पर आज हम जिस शख्स का तस्करा करने वाले हैं, इन्हें दुनिया सहराओं का शेर कहती है। आज 16 सितंबर उस अजीम हस्ती को सूले पर चढ़ाया गया जिसका नाम उमर मुख्तार था। वैसे तो आज भी लीबिया अमेरिका के निशाने पर है और अमेरिका की पुष्ट पनाही करने वाला यूएई भी अब लीबिया पर मिसाइल दागने से बाज नहीं आ रहा। खैर, यह उमर मुख्तार ने अपने नाम को तारीख के औराक में सुनहरे लफ्जों में दर्ज किया है। उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फरहत अल मिनीफी था। जब यूरोप के बादशाहों ने अपने इख्तदार को बढ़ाते हुए एशिया और अफ्रीका के मुल्कों को गुलाम बनाने के लिए अपनी जदीद फौजों को वहां भेजी, तो उनकी इस लूट के खिलाफ दीनी लिबास में रहने वाले आम इंसान एक जंगजू के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने लोगों के सामने मजबूती से लड़ने की मिसाल पेश की। जुल्म के खिलाफ उनको मुत्तहिद किया, वही बादशाहत के सामने वो चैलेंज पेश किया कि खुद यूरोप ने उनकी बहादुरी के सामने घुटने टेक दिए। इन्हीं जंगजुओं में एक महान बहादुर मुजाहिद थे, लीबिया के उमर मुख्तार। उमर मुख्तार मुख्तार की पैदाइश 1859 ईस्वी में हुई और वे एक स्कूल के प्रिंसिपल टीचर थे। आज के स्कूल या असातिज़ाओं के जैसे नहीं थे, जो अपने आप को सिर्फ महीने की तनख्वाह में अपने फ़र्ज को अंजाम देते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ पर हम माशरे की कमज़ोरी को इसलिए बयान करते हैं ताकि हमारे जिम्मेदार होने वाली गलतियों को सुधारे। किसी पर तंज जानबूझ कर करना हमारा मकसद नहीं है और हम भी कोई बहुत बड़े इल्मी दानिश्वर नहीं है। हमारी जितनी समझ में आती है कम इल्मी की बुनियाद पर हम कुछ माशरे के सामने रखना चाहते, लेकिन कई कईयों को ये बातें बुरी लगती है। डॉक्टरों को बुरा लगता है, अगर डॉक्टरों पर बोलते हैं तो मौलानाओं पर कुछ कहेंगे तो मौलाना लोग भी इसे बुरा मानते हैं। ये बात तमाम असातिज़ों को नहीं है, पर अक्सर यह देखा जाता है कि किसी तरह से बच्चों को पढ़ाकर घरों को जाने की जल्दबाजी असातिज़ाओं को रहती है। यूं समझ लो कि हुकूमत की जानिब से तगड़ी तनख्वाह तो लेते हैं, पर ना तो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र इन्हें रहती है और ना ही तगड़ी तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं इसका एहसास इन्हें नहीं रहता। बच्चों के वालिदैन को जिम्मेदार ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से किनारा होता है, खासकर उर्दू असातिज़ा। अक्सर आपको इस तरह के पाएंगे। खैर, जब किसी असातिज़ा को अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद समझ में आता है तो वो अपने पेशे से इंसाफ करता है, तो अल्लाह उसके मर्तबे को भी बुलंद कर देता है। उमर मुख्तार इसी में से एक थे। बचपन से ही इनकलाबी जहन था और 1895 ईस्वी में वे सूडान चले गए। उन्होंने ब्रिटिश बादशाहों के खिलाफ महदी सूडानी के इनकलाब में हिस्सा लिया, पर यह नाकाम रहा। इसके बाद फिर लीबिया लौटा है। 1911 में इटली ने लीबिया पर अपना कब्जा किया। इटली ने खिलाफत उस्मानिया के जेर मातहत लीबिया पर जबरन कब्जा कर लिया। उमर मुख्तार ने इटली के अंग्रेजों के खिलाफ जंगी तदाबीर अख्तियार किया और अपनी नौकरी को छोड़ दिया, और फिर इटली के फौजियों को इस बहादुर ने लोहे के चने चबवाए। पर जब कौम किसी एक रहनुमा की बातों को मानने लगती है तो वक्त की सुपर पावर भी
घुटने टेकने पर मजबूर होती है, इससे जाहिर होता है। और उमर मुख्तार ने यही कर दिखा। गुरिल्ला वार के जरिए उमर मुख्तार नाजी फौजियों पर हावी होते जा रहे थे। तब एक बार फिर धोखे से काम लिया गया। उमर मुख्तार के दस्ते में से एक को बुलाकर उमर मुख्तार की मांगों पर गौर करने और सुलह की बात इटली फौज के जनरल ने कहा। मुसोलिनी को एक ही साल में 4 जनरल बदलने पड़े थे। आखिर में हार मानकर मुसोलिनी को अपने सबसे जालिम सिपाही जनरल ग्राजानी को लीबिया भेजना पड़ा। उमर मुख्तार और उसके सिपाहियों ने जनरल ग्राजानी को भी बेहद परेशान कर दिया। उमर मुख्तार के साथियों का मामूल था कि वक्त होते ही मुसल्ला बिछाते, नमाज अदा करते, फिर घोड़ों की पीठ पर बैठते। जदीद हथियारों और तोपों से लैस इटली फौजियों को बार बार हार का सामना करना पड़ता था। मुआहदे के लिए बुलाया गया और एक खेमे में मुआहदा तय किया गया। उमर मुख्तार ने अपनी मांगों को दोहराया, जिसे डायरी में लिखा गया। इटली के जनरल ने बताया कि आपकी मांगे इटली भेजी जाएंगे और मुसोलिनी को दिखाई जाएंगी। इटली से जवाब आने के लिए वक्त लगेगा, लिहाजा हमलों को तब तक रोका जाए। और उमर मुख्तार ने हमले रोक कर इंतजार करने लगे। मगर इटली से जवाब तो नहीं आया, बल्कि तोप, टैंक, जदीद हथियारों से लैस हजारों फौजियों को बुलाया गया। जनरल ग्राजानी कहता है कि उमर मुख्तार लड़ना जानता है, दिमाग चलाना नहीं। और इस पर तमाम नाजी फौज हंसने लगती है। पर इनका यह हंसना इन्हें कैसे मौत के मुंह में ले जाता है, इसका एहसास मैदान जंग में होता है। गोरिल्ला वार का तजुर्बा था, वो बड़ी तरबियती याफ्ता फौजों के पास भी नहीं था। लिहाजा जज्बे हौसलों के साथ उमर मुख्तार 2 साल तक लड़ते रहे। आखिरकार 11 सितंबर 1931 को जनरल ग्राजानी की फौज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और लोहे की जंजीरों में बांध दिया। जनरल ग्राजानी ने उमर मुख्तार से मुखातिब होकर कहा कि तुम अपने लोगों को हथियार डालने के लिए कह दो। तब एक गयूर मुजाहिद ने जवाब दिया, उसे तारीख की किताबों में नक्श किया हुआ है। उमर मुख्तार ने कहा कि हम हथियार नहीं डालते, या तो जीतते हैं या फिर शाम शहादत पी जाते हैं। 16 सितंबर को चौराहे पर लोगों के सामने फांसी के फंदे पर ले जाया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे फांसी देने वाले से ज्यादा जिंदगी मैं जीऊंगा, और कहा कि तुम्हारी हमारी आने वाली नस्ल तक जंग लड़नी पड़ेगी। इसके बाद खुद उमर मुख्तार फांसी के तख्त की तरफ चल पड़े। इस अजीम मुजाहिद को फांसी दी गई और इसके बाद जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। उमर मुख्तार ने मुस्तकील 20 साल तक जंग लड़ी थी। जंग जारी रही और आखिर में 1951 में इटली की जालिमाना हुकूमत से लीबिया को आजादी नसीब हुई। इस अजीम मुजाहिद की कुर्बानी को हम सलाम करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो जौं की यकी तो कट जाती है जंजीरें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।